खैरियत? आज सुबह सुबह ही आ गए? खैरियत नहीं है। सा क्या हो गया? हो तो बहुत पहले चुका है, मुझे इल्म अब हुआ। जानती है मुझ पर गोली किसने चलाई? मुझे कैसे पता होगा? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा। अच्छा, तो आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे पता है कि आप पर गोली किसने चले, और ये बात मैं आपसे छुपा रही हूँ, है ना? जानते हैं इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब जानकर ही दुख हुआ है। समझ नहीं पा रही मैं अमीन साहब क्या कहना चाह रहे। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा कि तुम ऐसा क्यों किया। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? शक नहीं करता, हालांकि करना चाहिए, शायद इसी की कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या बात है, बताए ना मुझे। वादा करती झूठ नहीं भूलूंगी। मलाइका, मुझ पर गोली मुस्तफा ने चलाई है। मुस्तफा? वो कैसे? हाँ, मुस्तफा, क्योंकि मैं उसी से मिल के आ रहा हूं। दुख इस बात का नहीं है कि उसने मुझ पर गोली चलाई, दुख इस बात का है कि तुम उसके साथ मिल गई हो, और ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा मैं। मुझे अफसोस है मलाइका कि हमारी कहानी का अंजाम तुम्हारे हक में जाने वाला नहीं। नहीं अमीन साहब, झूठ है ये, वाकई झूठ है। मुस्तफा तो मर चुका है ना, मैंने तो उस दिन के बाद से उसकी शक्ल तक नहीं देखी। आप चाहे किसी की भी कसम उठा ले, लेकिन प्लीज ये ऐसा इल्जाम मत लगाए मुझे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा मलाइका, कोई नहीं चाहता कि अपने महबूब पर कोई इल्जाम लगाए। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो मेरा यकीन करें। मेरी मोहब्बत तो सच्ची है, सवाल यहां तुम्हारी मोहब्बत का है। मुझे अफसोस है मलाइका के फूल से शुरू होने वाली मोहब्बत का अंजाम इस पर हो रहा है। नहीं, शायद मैंने बुनियाद ही गलत रख दी। अगर आपको लगता है कि मुस्तफा ठीक है तो फिर मैं इसकी मुस्तहक हूं। बस इतना चाहूंगी कि आप मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दें। अदा करती हूं, बेगुनाह साबित होते ही आपकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। दोनों सूरतों में सारा तो मेरा ही रहा ना, उसे इंतखाब करने में चूक हो गई। इसका मौका नहीं मिलेगा।